हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यू एस क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज पाइथन को यूज करते हुए हम लोग एक और अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है उसमें मुझे क्या करना है, यूजर से दो नंबर रीड करने हैं, ठीक है। लाइक एक्स और वाई में आप दो नंबर जो भी रीड करना चाहें कर सकते हैं, प्लस साथ में मुझे क्या करना है, एक ऑपरेटर को भी रीड करना है, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूजर डालना चाहता है। लाइक प्लस डालेगा तो उन दोनों नंबर का सम हो जाएगा। ऐसी फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि उसका डिवाइड करना है, उसको माइनस करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका मॉडुलस ऑपरेटर यूज करना है, आप जो भी ऑपरेटर टाइप करेंगे, मीन्स यूजर जो भी ऑपरेटर जो है वो वहां पर टाइप करेगा, उस ऑपरेटर के बेस पे हमारा एक रिजल्ट बनेगा और उस रिजल्ट को हम लोग चाहते हैं आउटपुट पे देना। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे क्या करना है, यूजर से दो नंबर को पहले रीड करना है, ऑपरेटर रीड करना है, कैलकुलेशंस करनी है और उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर या उसका जो रिजल्ट है वो प्रिंट करना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले फाइल में जाकर के न्यू फाइल पे क्लिक करना है, जिससे कि मेरा एक नया प्रोग्राम बना सकता हूँ मैं, और उसके बाद इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं अपनी फाइल को नाम देने वाला हूँ, वो है PRG, और उसके बाद फ्रेंड्स मैं नाम दे दूंगा उसको 14.py, ठीक है। .py एक्सटेंशन देना जरूरी है। इसके बाद नहीं, मुझे इसमें कुछ काम करना है। तो क्या करना है, यूजर से पहले आपको दो नंबर रीड करना है, कुछ भी वैल्यू वेरिएबल्स का नाम आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं नाम रखने वाला हूँ वो है मेरे पास एक्स एंड वाई, ठीक है। तो मैं एक्स के अंदर स्टोर करने वाला हूँ इंटीजर टाइप की वैल्यू। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक्स इंटीजर ऑफ इनपुट, इनपुट में क्या करना है, तो मैं लिख दूंगा एंटर अ नंबर इन एक्स, ठीक है। तो यूजर जो एक नंबर डालेगा एक्स के अंदर। इस टाइप से फ्रेंड्स मुझे वाई में भी लेना है, तो मैं लिख दूंगा वाई इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट, और इसमें क्या लिख दूंगा, एंटर अ नंबर इन वाई। तो फ्रेंड्स, यूजर जो है वो दो नंबर यहां पर टाइप कर देगा एक्स और वाई के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने एक्स और वाई दो नंबर रीड कर लिए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक ऑपरेटर को रीड करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, एक वेरिएबल लेता हूँ ओपी, ठीक है। ओपी इक्वल्स टू इनपुट, और इनपुट क्या करना है आपको, तो मैसेज लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ एंटर, या लिख सकते हैं कि सेलेक्ट ऑपरेटर, ठीक है। अब ऑपरेटर कौन सा है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये हम लोग ऑपरेटर यहाँ पर जो है वो यूज करने वाले। तो यूजर जो भी अपने ऑपरेटर को टाइप कर देगा वो हमारा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, ऑपरेटर आ चुका है हमारे पास, एक्स वाई आ चुका है हमारे पास, अब हमें यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो देखिए, मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू जीरो। अभी रिजल्ट में हमारे पास सपोज जीरो स्टोर है, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाने वाला हूँ, क्या लिखूंगा, इफ ओपी जो है आपके पास, ठीक है, इफ ओपी इक्वल्स टू अगर आपके पास में होता है प्लस, ठीक है। प्लस मैंने इसको किस में लिखा है, सिंगल कोट में, क्योंकि ये प्लस जो है हमारे पास एक कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग जो भी आप इसको कह दें। तो इफ ओपी इक्वल्स टू प्लस अगर आपके पास होगा तो हमें यहाँ पर कुछ काम करना है। फ्रेंड्स, क्या काम करना है, तो जो रिजल्ट है इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, आपको बस उसको इस तरीके से स्टोर करना है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स, और मैं इसके अंदर एक कंडीशन डालने वाला हूँ, वो क्या लिख दूंगा, एल्स इफ, ठीक है, ओपी जो है आपके पास वो इक्वल्स टू अगर आपके पास माइनस होता है, ठीक है। अगर आपके पास माइनस होता है तो क्या करना है, रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। फ्रेंड्स, इस टाइप से आपके पास रिजल्ट ये भी स्टोर हो रहा है। फ्रेंड्स, इसी टाइप से आपको यहाँ पर और एक काम करना है, यहाँ पर जो है वो एल इफ आएगा, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे क्या करना है, लिखना है एल इफ, ठीक है। एल इफ का मतलब हो गया यहाँ पर एल्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना है, एल्स इफ। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग एल्स इफ को देखते हैं, इसमें हम लोग जो एल्स इफ की जगह क्या लिखते हैं, केवल एल इफ, ठीक है। एल इफ के बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखना है कि अगर आपके पास ऑपरेटर इक्वल्स टू माइनस होता है, ठीक है। याद रखिए, जो भी मैं आप ऑपरेटर डालने वाला हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड, उसको मैं सिंगल कोट में डालूंगा, क्योंकि वो हमारे पास एक कैरेक्टर और स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है हमारे पास में, तो फ्रेंड्स हमें क्या काम करना है, तो मुझे क्या करना है, जो रिजल्ट है इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, माइनस वाई, इस तरीके से हमको इसको सेट करना है। फ्रेंड्स, इसी टाइप से एक और कंडीशन डाल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एल इफ, ठीक है, जो ओपी है हमारा वो इक्वल्स टू अगर मल्टीप्लाई अगर हो जाता है, ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, जो रिजल्ट है इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई वाई कर देंगे हम लोग इस तरीके से।
इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ जाके लिखूंगा एल एफ और अगर हमारा ओपी जो है वो इक्वल्स टू क्या है लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई तीनों हो चुके हैं. अब हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पर डिवाइड. ठीक है, अगर डिवाइड है तो आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पर जो है वो एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा हमें. उसके बाद क्या लिख दूंगा रिजल्ट. ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम लोग एक्स डिवाइड बाय वाई. ठीक है, इस टाइप से हमारा ये काम हो गया. इस टाइप से फ्रेंड एल इफ एक और लिखना पड़ेगा आपको. मैं इसको एल इफ लिख देता हूँ और उसके बाद लिख दूंगा अगर हमारा ओपी इक्वल्स टू क्या होगा मॉड अगर हो जाता है. ठीक है, मॉड अगर हमारा हो जाता है तो हमें क्या करना है रिजल्ट इक्वल्स टू क्या करेंगे एक्स मॉड वाई. बस इतना ही हमें काम करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड. इन सबके काम कर लिए फ्रेंड्स. आप देख सकते हैं ये प्लस का था, इस टाइप से ये हमारा माइनस का हो चुका है. ठीक है, इसी टाइप से ये हमारा यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड के लिए. ठीक है, अब हमें क्या काम करना है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पर जाकर के क्या करना है एक और कंडीशन, क्या पता यूजर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कुछ और डाल देता हो. ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एल्स. ठीक है, एल्स में हमें क्या लिखना है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट. क्या प्रिंट करना है, इन वैलिड ऑपरेटर. बस इतना मुझे लिखना है इन वैलिड ऑपरेटर और उसके बाद में इस टाइप से मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा काम. अब बस मुझे क्या करना है यहाँ पर प्रिंट करना है अपनी वैल्यूज को, तो जो भी हमारी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग. तो फ्रेंड्स इसके बाद में मैं क्या करूंगा, मैं जाके लिख दूंगा प्रिंट. उसके बाद में मुझे क्या प्रिंट करना है, तो एक्स. ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद फ्रेंड्स मैं जाके लिख दूंगा ओपी, तो जो भी आपने ऑपरेटर यूज करा है वो आ जाएगा. देन उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा वाई. ठीक है, इसके बाद में मुझे क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि रिजल्ट मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ तो मैं इसको डबल कोट्स, इसको सिंगल कोट में जो है वो लिख सकता हूँ यहाँ पर इक्वल्स टू का सिंबल. ठीक है, इसके बाद में मुझे क्या करना है, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वो वेरिएबल जो रिजल्ट के अंदर हमारा स्टोर हो चुका है. तो फ्रेंड्स इस टाइप से जो है हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है. अब मुझे क्या करना है, अपनी फाइल को एक बार सेव करना है और उसके बाद F5 की को प्रेस करना है. तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ नंबर पूछ रहा है जैसे 10. ठीक है, और उसके बाद में मुझे दूसरे नंबर यहाँ पर क्या डालना है, सपोज मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 3. ठीक है, और उसके बाद में ऑपरेटर ये कहेगा, तो मैं एक ऑपरेटर यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ, वो है मॉड ऑपरेटर. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा देख सकते हैं, 10 mod 3 = 1. इस टाइप से फ्रेंड्स हमने क्या कर रखा है, आज एक और नए टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, पाइथन को यूज करते एक अलग टाइप के प्रोग्राम को डिस्कस किया है. ऐसी फ्रेंड्स आगे के वीडियोस में भी हम लोग अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स को डिस्कस करने वाले हैं. तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए. धन्यवाद.